फाइनली रियल क्रिकेट 22 का न्यू ट्रेलर आ चुका है। इस ट्रेलर में बहुत ज़्यादा हिडन फीचर दिखाए गए हैं और जो मैंने प्रेडिक्ट किया था रियल फेसेस के बारे में वो भी फीचर आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है ये वीडियो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओवरऑल बात करें तो रियल क्रिकेट की तरफ से एक न्यू ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर में हमें बहुत ज़्यादा फीचर्स दिखाए गए हैं। सबसे पहले हमें न्यू एनिमेशन देखने को मिल रहे हैं। जब से रियल क्रिकेट 22 आया है हमें कोई भी न्यू एनिमेशन देखने को नहीं मिला, लेकिन ट्रेलर में सबसे पहले हमें जतेजा सर का न्यू जो 50 सेलिब्रेशन है वो दिखाया गया है। बाद में हमें विकेट टेकिंग सेलिब्रेशन भी दिखाया गया है। आपको पता होगा कि रियल क्रिकेट 22 में हमें रियल बॉलिंग एक्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हमें उन बॉलर्स के रियल विकेट टेकिंग के बाद सेलिब्रेशन भी देखने को मिले तो कितना मज़ा आएगा गेम का। तो फाइनली हमें न्यू जो है सेलिब्रेशन देखने को मिल रहे हैं, न्यू 50 सेलिब्रेशन देखने को मिल रहे हैं, न्यू 100 सेलिब्रेशन देखने को मिल रहे हैं, जिससे गेम और भी नेक्स्ट लेवल पर पहुँच सकता है। सेकंड, इस ट्रेलर में बहुत ज़्यादा एक बड़ा फीचर दिखाया गया था, वो है फेसेस इम्प्रूवमेंट का। जी हाँ, ये मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था काफ़ी देर पहले का, मैंने बोला हुआ है कि रियल क्रिकेट 22 का जो नेक्स्ट अपडेट आने वाला है उसमें हमें फेसेस इम्प्रूव देखने को मिलेंगे। तो जो जतेजा सर का 50 सेलिब्रेशन दिखाया गया उसमें रियल फेस भी दिखाया गया जतेजा सर का, लेकिन 100% रियल नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी रियल फेसेस में। इसी के साथ एक और मैंने प्रेडिक्शन की थी कि स्टेडियम कस्टमाइजेशन का या स्टेडियम में कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाली है, वो भी फीचर आ चुका है इस ट्रेलर में। चेन्नई का स्टेडियम दिखाया गया है जिसमें हमें LED स्क्रीन देखने को मिल रही है स्टैंड में, ये पहले नहीं थी। तो इसका मतलब है कि जो स्टेडियम्स हैं उसको भी अपडेट कर दिया गया है, यानी कि जो मिस्टेक हुई थी पहले स्टेडियम्स में उसको अब अपडेट करके जो फुली रियल बना दिया गया है। शायद हमें बाउंड्री डायमेंशंस का वो कस्टमाइज़ करने का भी फीचर दिया जाए। फीचर्स अभी तक एंड नहीं होते, दो और फीचर हमें दिखाए गए थे, एक था न्यू कैमरा एंगल्स और एक था न्यू ब्रॉडकास्ट। जी हाँ, न्यू कैमरा एंगल्स भी आने वाले हैं और न्यू ब्रॉडकास्टर भी आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक न्यू लोगो देखने को मिल रहा है। LED स्क्रीन पर भी हमें न्यू लोगोस देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि न्यू ब्रॉडकास्टर्स आने वाले हैं और जो पहले ब्रॉडकास्ट थे उनको रिमूव कर दिया जाएगा और न्यू ब्रॉडकास्टर्स भी आने वाले हैं और न्यू कैमरा एंगल्स भी आने वाले हैं। तो ओवरऑल बात करें तो हमें इस ट्रेलर में दिखाए गए हैं न्यू सेलिब्रेशंस, न्यू एनिमेशंस, न्यू कैमरा एंगल्स, स्टेडियम्स अपडेट और न्यू ब्रॉडकास्टर्स। तो और भी ट्रेलर निकल के आएंगे, अभी इनका जो मेगा फीचर है आई थिंक कि वो अभी आना बाकी है, जो वर्ल्ड कप के पास हमें दिखाया जाएगा। लेकिन फाइनली कुछ तो रियल क्रिकेट की तरफ से पता लगा कि अपडेट में ये फीचर आने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय।